लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल कोहेरियंस के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हम लोग टेम्पोरल कोहेरियंस को डिस्कस कर चुके हैं, और इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रल कोहेरियंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रल कोहेरियंस। देखिए, अगर हम लोग एक पॉइंट सोर्स की बात करें, तो इस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट इमिट होंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होते हैं। इस तरह से गोलीय तरंगाग्र जो है वो इमिट होते हैं। ये अगर एस जो है वो स्फेरिकल, एस जो है वो पॉइंट सोर्स है, तो इस तरह से गोलीय तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होते हैं। और वेव फ्रंट का हरेक जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो मैं दो पॉइंट लू P1 और P2, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही वेव फ्रंट पर है। एक ही वेव फ्रंट का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। दोनों पॉइंट P1 और P2 जो है वो सेम फेज में होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो पॉइंट सोर्स का कोई मतलब होता नहीं है। प्रैक्टिकली जो सोर्स होंगे वो एक बिंदु के रूप में नहीं हो सकते, अदरवाइज इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और प्रैक्टिकल सोर्स का कुछ न कुछ फाइनाइट साइज रखना होता है, क्योंकि अपने को कुछ लाइट की इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्रैक्टिकल सोर्स का फाइनाइट साइज अपने को रखना पड़ता है, और फाइनाइट साइज के कारण P1 और P2 जो है वो 100% कोहेरियंस या 100% फेज कोरिलेटेड नहीं होंगे। फेज दोनों का जो है सेम नहीं होगा। तो अगर हम लोग किसी प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें, ये मैंने कोई प्रैक्टिकल सोर्स यहां पर बनाया, और इस प्रैक्टिकल सोर्स से कोई भी डायरेक्शन हम लोग लेवे, तो इस डायरेक्शन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मान सकते हो आप इसको। और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम लोग दो पॉइंट लेवे, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो पॉइंट लेवे, तो ये जो दो पॉइंट है वो एक लिमिट डिस्टेंस तक ही सेम फेज में होंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस एक लिमिट से ज्यादा हो गई, तो फिर ये P1 और P2 अगर मैं इनको नाम दूं तो ये जो है वो सेम फेज में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो लिमिटेड डिस्टेंस है जब तक P1 और P2 जो है वो सेम फेज में होंगे, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ। ठीक है, इस डिस्टेंस को जो है वो स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 सच दैट दे रिमेन्स इन फेज, सेम फेज, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ। अगर हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर वापस चर्चा करें, तो ये देखिए कि ये एक सोर्स है S, और इस सोर्स से हम लोग दो सोर्स बनाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव फ्रंट के डिवीजन से। तो ये अपना S1 होता है और ये आपके S2 होता है। तो S1 और S2 के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कि इनमें कोहेरियंस बना रहे, ठीक है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ बोलेंगे। उस मैक्सिमम डिस्टेंस को स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ बोला जाता है। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा हम लोग नाम दे दें, इस एंगल को थीटा नाम दे दें, और ये जो दूरी है वो हम लोग दे दें स्मॉल डी, और ये दूरी हम लोग कैपिटल डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, तो ये एंगल जो है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो ये एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये डी अपॉन डी हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो डी अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये लेस देन और इक्विवेलेंट टू होना चाहिए एंगुलर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। एंगुलर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट जो है वो होती है लैम्डा अपॉन ए। एंगुलर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट क्या होती है, लैम्डा अपॉन ए होती है, जहां पर लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा, और ए जो है वो आपके हो जाएगा, ये जो सोर्स है इसका साइज हो जाएगा,
साइज ऑफ सोर्स, ये ए जो है वो साइज ऑफ सोर्स हो जाएगा। तो यहां ये जो एंगुलर स्प्रेडिंग है वो जो है लैम्डा अपॉन ए से कम होनी चाहिए, तभी ये एस वन और एस टू जो है वो कोहेरियंस शो करेंगे, अदरवाइज ये कोहेरियंस शो नहीं करेंगे। अगर आपने ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा दी तो ये कोहेरियंस शो नहीं करेंगे, एस वन और एस टू जो है कोहेरियंस शो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहां पर कहीं स्क्रीन रखें तो वो उस स्क्रीन पर सस्टेनेबल फ्रिंज पैटर्न अपने को देखने को नहीं मिलेगा। सस्टेनेबल फ्रिंज पैटर्न, स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप अपने को देखने को नहीं मिलता है अगर ये एस वन और एस टू कोहेरियंस शो नहीं करें। तो फिलहाल हम लोग बात ये कर रहे हैं कि एंगुलर स्प्रेडिंग जो है डी अपॉन डी जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, जहां लैम्डा तो इस सोर्स से निकलने वाली लाइट का वेवलेंथ हो गया और ए जो है इसका साइज हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। तो अगर मैं डी का मैक्सिमम मान लेना चाहूं, ठीक है डी का मान इस चीज से कम होना चाहिए, अगर मैं मैक्सिमम मान लेना चाहूं तो क्या हो सकेगा, लैम्डा डी अपॉन ए, ये डी का जो है मैक्सिमम मान हो सकेगा। यानी कि आप अधिकतम जो दूरी एस वन और एस टू के बीच में ले सकते हैं वो इतनी ले सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप दूरी ले लोगे तो एस वन और एस टू कोहेरियंस शो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो यहां पर सस्टेनेबल फ्रिंज पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस ही स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ कहलाती है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ, इसको स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ बोलते हैं, और एल ओमेगा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, ये स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ का फॉर्मूला जाएगा। इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल ओमेगा बराबर लैम्डा, थोड़ा यहां हम लोग मैथमेटिकली सेटिंग करेंगे, इस डी को अपॉन में लेकर आ गया मैं, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा अपॉन ए अपॉन डी, और आप देखें तो लैम्डा ए अपॉन डी जो है, ए तो देखो इसका साइज है, यहां पर मैं दिखा देता हूं ये वाला जो साइज है ना वो ए है, तो ए तो इसका साइज है, तो ए अपॉन डी का मतलब ये होगा, हो गया कि एस के द्वारा, सोर्स एस के द्वारा इस प्लेन पर बनने वाला एंगल हो जाएगा, उसको थीटा लिख सकेंगे। तो एल ओमेगा बराबर लैम्डा अपॉन थीटा, वेयर वेयर थीटा क्या है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है ए अपॉन डी, और इसको हम लोग क्या बोल सकेंगे, एंगल सबटेंड बाय एस ऑन द प्लेन ऑफ एस वन एंड एस टू। तो एस वन और एस टू को कंटेन करने वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पर एस के द्वारा बनने वाला कोण ए अपॉन डी, ठीक है, ये एस के द्वारा बनने वाला कोण, तो ये स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ का फॉर्मूला यहां पर आ जाता है। अब हम लोग और आगे यहां पर चर्चा करते हैं कि एक तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ए का मान जितना स्मॉल होगा, ए अगर क्या हो, स्मॉल हो, तो ए का मान स्मॉल होगा तो एल ओमेगा का मान जो है वो आप अधिक रख सकेंगे, एल ओमेगा की वैल्यू जो है वो आप अधिक रख सकेंगे। तो एल ओमेगा ही एस वन और एस टू के बीच की दूरी है, एस वन और एस टू के बीच की दूरी अधिक रखी जा सकेगी अगर सोर्स एस का साइज स्मॉल है तो, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज से कम साइज हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में फिर यहां सोर्स से निकलने वाली जो इंटेंसिटी है वो टेंड्स टू जीरो हो जाती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो L का साइज अपने को फाइनाइट, सोर्स S का साइज अपने को फाइनाइट रखना होता है, और इसी फाइनाइट साइज के कारण एक लिमिट है कि S1 और S2 के बीच की जो दूरी है आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, वही स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ होती है, और उसका फॉर्मूला जो है वो ये वाला हो जाएगा। तो ये चर्चा हुई स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ पर, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दोनों कोहेरियंस को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं, दो तरह के कोहेरियंस हमने पढ़े,
एक तो टेम्पोरल कोहेरेंस पढ़ा और एक स्पेक्ट्रल कोहेरेंस हमने पढ़ा। तो थोड़ा सा हम लोग इनको कंपेयर कर देते हैं। देखिए पहला जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो तो ये हो जाएगा कि लाइट जो है कितनी मोनोक्रोमेटिक है उतना ही ज्यादा टेम्पोरल कोहेरियंस होगा। तो टेम्पोरल कोहेरियंस जो है ना वो मोनोक्रोमेटिविटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है। मोनोक्रोमेटिविटी ऑफ लाइट, तो लाइट जितनी ज्यादा मोनोक्रोमेटिक होगी टेम्पोरल कोहेरियंस उतना ही ज्यादा होगा। और ये स्पेक्ट्रल कोहेरियंस जो अभी हमने डिस्कस किया ये साइज ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ सोर्स, साइज ऑफ सोर्स जितना स्मॉल होगा स्पेक्ट्रल कोहेरियंस उतना ही बेटर होगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टेम्पोरल और स्पेक्ट्रल कोहेरियंस को। टेम्पोरल कोहेरियंस में हम लोग पढ़ते हैं कोहेरियंस लेंथ का फॉर्मूला, तो हम लोग पढ़ते हैं एल सी कोहेरियंस लेंथ होती है लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, ये कोहेरियंस लेंथ का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। और आप कोहेरियंस टाइम टॉ सी भी निकाल सकते हैं, कोहेरियंस लेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज व्हाट इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन है कोहेरियंस लेंथ में और लैम्डा में और डेल्टा लैम्डा में, ये रिलेशन बनता है। यहां पर हमने स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ पढ़ी है और स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ एल ओमेगा का फॉर्मूला है लैम्डा और कैपिटल डी अपॉन ए, ये स्पेक्ट्रल कोहेरियंस लेंथ का फॉर्मूला जो है हमने अभी पिछले पेज पर ही पढ़ा है। तो ये दूसरा पॉइंट अपने पास हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि ये मान लीजिए सोर्स एस है और मान लीजिए कि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो अगर हम लोग वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में दो पॉइंट ले P1 और P2 और P1 और P2 के बीच में वह अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 सो दैट फेज डज नॉट ब्रेक इन बिटवीन देम, कि इनके बीच में कहीं फेज ब्रेक नहीं हो, यह अधिकतम दूरी है ना, ये कहलाती है कोहेरियंस लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग कोहेरियंस लेंथ बोलते हैं। तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में दो पॉइंट ले रहे हैं और वहां कोहेरियंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कोहेरियंस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरियंस, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरियंस भी बोलते हैं। और एक और जो चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा वो ये है कि सोर्स एस है और एक ही पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर कितने समय तक कोहेरियंस बना रहेगा, इस पॉइंट पर कितने समय तक कोहेरियंस बना रहेगा, तो वो यहां चेक किया जाता है। तो एक तरह से ये टाइम से रिलेटेड कोहेरियंस है और इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परल कोहेरियंस बोलते हैं, टाइम से रिलेटेड कोहेरियंस टेम्परल कोहेरियंस कहलाएगा। तो यहां पर क्या देखो हम लोग कर रहे हैं, यहां पर सोर्स है और सोर्स से ये वेव इमिट हो रही है, तो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो पॉइंट लेते हैं, ये दो पॉइंट परपेंडिकुलर लिए जाते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच की वो मैक्सिमम डिस्टेंस देखी जाती है कि ये कोहेरियंस शो करे दोनों पॉइंट। ठीक है, तो एक तरह से ये जो कोहेरियंस है वो ट्रांसवर्सिव कोहेरियंस कहलाता है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सिव कोहेरियंस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सिव कोहेरियंस बोलते हैं। और ये स्पेस से रिलेटेड है, हम लोगों को एक ही समय पर दो पॉइंट पर कोहेरियंस चेक करना है। ठीक है, इसलिए स्पेस से रिलेटेड कोहेरियंस है, इसलिए स्पेक्ट्रल कोहेरियंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो फोर्थ पॉइंट जो है कि इसका मेजरमेंट अगर हम लोग करना चाहें टेम्पोरल कोहेरियंस का, तो हम लोग माइकेलसन इंटरफेरोमीटर में कर सकते हैं। माइकेलसन इंटरफेरोमीटर का थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम आपको बताऊं
तो यहां पर सोर्स एस होता है, सोर्स से जो लाइट जाती है वो किसी लेंस से गुजारते हैं हम लोग लाइट को इस तरह से, और ये लाइट गई। यहां पर हम लोग एक प्लेट लेते हैं इस तरह से, प्लेट पी वन, पी वन प्लेट के इस पॉइंट पर, ये पीछे वाला जो पॉइंट है वहां पर लाइट जो है वो दो भागों में ब्रेक हो जाती है। लाइट का कुछ पार्ट जो है वो तो ट्रांसमिट हो जाएगा, वो मिरर M2 की तरफ जाएगा, और कुछ भाग जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो मिरर M1 की तरफ जाएगा, ये M1 की तरफ जाएगा। M1 से भी टकराकर लाइट लौटेगी और M2 से टकराकर भी लाइट जो है वापस लौटेगी, और पॉइंट O पर, ये वाला पॉइंट O अगर मैं कह दूं तो इस पॉइंट पर कोहेरियंस होगा, और ये कोहेरियंट वेव जो है वो इस तरह से प्रोपोगेट करते हुए टेलीस्कोप के अंदर देखी जा सकेगी। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। अब देखिए कि जो यहां पर ऑब्जर्वर है, जो टेलीस्कोप को यूज करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो ये मान सकता है कि दोनों जो रेज हैं ये एम इधर से ही आ रही है, एम वन की तरफ से ही आ रही है। तो कहने का मतलब कि एम टू को भी इधर ही माना जा सकता है, एम टू को भी इधर ही माना जा सकता है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर ये मान सकेगा कि दोनों रे इधर से आ रही, तो M2 को भी उधर ही माना जा सकेगा। और M1 और M2 जो है, M1 तो वास्तव में है और M2 जो है वो वर्चुअल है, इसका इसका वर्चुअल इमेज कह सकेंगे। इनके बीच की दूरी अगर d है तो देखो एक रे तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ गई जो M1 से टकरा कर आ रही है, और एक रे जो है वो M2 तक गई और वापस रिटर्न बैक हुई। तो दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो 2d हो जाएगा। 2d इसलिए हो जाएगा क्योंकि d जाते समय और d ही आते समय एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, जो m2 डैश से टकराकर किरण जो लौट रही है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। ये 2d डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कोहेरियंस लेंथ से सफिशियंट लेस होनी चाहिए। lc से ये कोहेरियंस लेंथ से अगर सफिशियंटली लेस है तब तो अपने को सस्टेनेबल कोहेरियंस सस्टेनेबल फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टेम्परल कोहेरियंस जो है वो आप माइकेलसन इंटरफेरोमीटर से आप मेजरमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक है। कोहेरियंस लेंथ का मेजरमेंट जो है वो माइकेलसन इंटरफेरोमीटर में कर सकते हैं। और यहां अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग चेक कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रल कोहेरेंस है या नहीं है। तो ये एस हो जाता है और इससे हम लोग दो सोर्स एस वन और एस टू बनाते हैं, ये एस वन और एस टू बना लेते हैं। तो एस वन और एस टू के बीच की अगर दूरी हम लोग बढ़ाते चले जाएं और एक ऐसी लिमिट पर पहुंच जाएं जब फ्रिंज पैटर्न स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाए, ये स्क्रीन है, तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल कोहेरेंस लेंथ एल ओमेगा। और एल ओमेगा का फॉर्मूला जो यहां लिखा हुआ है वो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चेक कर सकते हैं, यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो स्पेक्ट्रल कोहेरियंस चेक किया जा सकेगा और माइकेलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से टेम्परल कोहेरियंस जो है वो चेक किया जा सकेगा। फाइनली मैं बात को समराइज करता हूं कि अगर दो सोर्स कोहेरियंस है तो उनमें दोनों तरह का कोहेरियंस होना चाहिए, टेम्परल कोहेरियंस भी होना चाहिए और स्पेक्ट्रल कोहेरियंस भी होना चाहिए। टेम्परल कोहेरियंस का मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है अपना एस वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और स्पेक्ट्रल कोहेरियंस का मतलब ये हुआ कि सोर्स का जो साइज है वो काफी कम होना चाहिए। और जब ये दोनों कोहेरियंस एग्जिस्ट करेंगे तभी आपको सस्टेनेबल फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा, तभी आपको स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।